प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित डीएलएड प्रशिक्षण कार्यक्रम जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, आज हमने ये निर्णय लिया है कि उसमें जो वर्ष 2018 के तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षार्थी थे जिनकी संख्या 1.5 लाख से ऊपर थी और जिनके लिए 500 अधिक केंद्रों पर परीक्षा कराए जाने की आवश्यकता थी, उसके बारे में हमने ये तय किया है कि तृतीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को उनके प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के अंकों के आधार पर, औसत अंकों के आधार पर उनको प्रोन्नति प्रदान कर दी जाएगी और उनके चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा अक्टूबर 2020 में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कराई जाएगी। इसी तरह से 2019 के जो छात्र प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में हैं, उनमें प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को हम प्रोन्नति प्रदान करेंगे, उनकी परीक्षा नहीं होगी, केवल द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अक्टूबर महीने में कराई जाएगी और द्वितीय सेमेस्टर में जो उनको अंक प्राप्त होंगे उसी आधार पर उनको प्रथम सेमेस्टर के भी अंक प्रदान कर दिए जाएंगे। तो आज स्पष्ट रूप से हम लोगों ने डीएलएड पाठ्यक्रम के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के छात्रों को बिना परीक्षा के प्रोन्नति देने का निर्णय लिया है और द्वितीय तथा चतुर्थ सेमेस्टर के जो परीक्षार्थी हैं, यानी प्रत्येक वर्ष की जो अंतिम परीक्षा है, वो परीक्षा अक्टूबर 20 में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कराई जाएगी। आज हमने ये निर्णय लिया है कि उसमें जो वर्ष 2018 के तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षार्थी थे जिनकी संख्या 1.5 लाख से ऊपर थी और जिनके लिए 500 अधिक केंद्रों पर परीक्षा कराए जाने की आवश्यकता थी, उसके बारे में हमने ये तय किया है कि तृतीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को उनके प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के अंकों के आधार पर, औसत अंकों के आधार पर उनको प्रोन्नति प्रदान कर दी जाएगी और उनके चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा अक्टूबर 2020 में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कराई जाएगी। इसी तरह से 2019 के जो छात्र प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में हैं, उनमें प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को हम प्रोन्नति प्रदान करेंगे, उनकी परीक्षा नहीं होगी, केवल द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अक्टूबर महीने में कराई जाएगी और द्वितीय सेमेस्टर में जो उनको अंक प्राप्त होंगे उसी आधार पर उनको प्रथम सेमेस्टर के भी अंक प्रदान कर दिए जाएंगे। तो आज स्पष्ट रूप से हम लोगों ने डीएलएड पाठ्यक्रम के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के छात्रों को बिना परीक्षा के प्रोन्नति देने का निर्णय लिया है और द्वितीय तथा चतुर्थ सेमेस्टर के जो परीक्षार्थी हैं, यानी प्रत्येक वर्ष की जो अंतिम परीक्षा है, वो परीक्षा अक्टूबर 20 में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कराई जाएगी।